हेलो फ्रेंड्स, आल इन वन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी, जो कि हम शादी पार्टी में खाते हैं। वैसे आलू गोभी बनाने जा रहे हैं आज हम घर पर। तो आप देखिए, मैंने एक तपेली में 3 गिलास पानी डाल दिया है। मैंने गोभी बड़े बड़े पीस में काट लिया है। देखिए आप, इस शेप में काटना है गोभी अपने को। और जो मैंने बताया था आपको, अभी आलू गोभी कि मसाले वाली सब्जी बनाने के लिए मैंने इसमें तपेली में 3 गिलास पानी उबलने रख दिया था गैस पर। तो ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है मेरा पानी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गोभी। तो फ्रेंड्स, गोभी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें, और इसको मैं अच्छी तरह से चला दूंगी। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि गोभी में जो हमारे कीड़े आते हैं तो वो निकल जाते हैं। बस 2 मिनट के लिए इसमें मैं इसको चलाऊंगी गर्म पानी में, और हम निकाल लेंगे इसको, निकाल देंगे पानी को। फ्रेंड्स देखिए, ये गोभी मैंने जो बॉईल की थी पानी में 1-2 मिनट के लिए नमक डाल के बॉईल की थी, वो मैंने निथार ली है। आलूओं को बड़े बड़े पीस में काट कर धोकर रख लिया था मैंने, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने रख दी गैस पर एक कढ़ाई, ये देखिए गर्म हो गई है। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच के लगभग तेल, जिसमें कि हम आलूओं को अच्छा सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है और हम इसमें आलू को भूनेंगे, सुनहरा होने तक इसको भूनेंगे आलू को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे आलू बढ़िया सुनहरे भुन चुके हैं। मध्यम आंच में गैस की फ्लेम मैंने स्लो की थी और आलू भून लिए थे। इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमारे आलू सुनहरे सुनहरे सिक चुके हैं फ्रेंड्स। इनको अच्छा फ्राई कर लिया आलूओं को। अब जो गोभी मैंने ये काट कर रखी थी धोकर, इसको मैं इसमें डाल दूंगी कढ़ाई में उसी तेल में, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे मध्यम आंच में। बेटा आज पर ही सेकना है कि हमारे गोभी तब तक सुनहरे हो जाएंगे, तब तक हम मसाला तैयार करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, गोभी हमारी फ्राई हो गई है। आलू भी मैंने फ्राई कर लिए थे। इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और गैस को मैं बंद कर दूँगी। तो भैया गोभी निकाल ली है मैंने, तो सुनहरी सुनहरी फ्राई हो गई है। देखिए अब मैं गैस को फ्लेम बंद कर दूंगी गैस को, और अब हम मसाला एक मिक्सर जार में डालेंगे। तो हम 1 चम्मच धनिया डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और एक अदरक का टुकड़ा है मैंने डाल रही हूँ, 6-7-10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं इसमें डाल रही हूँ मैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ, और 2 हरी मिर्च। इन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और हम पीसेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच तेल, सब्जी का चम्मच है जो। अब हम मसाला बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें मैं डाल दूंगी एक तेजपान का पत्ता, 1 बड़ी इलायची, और दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये जावित्री थोड़ी सी, और इसमें डाल दूंगी मैं काली मिर्ची 10-12, थोड़ी सी हींग, और ये प्याज डाल देंगे हम, 3 मीडियम साइज के कटे प्याज है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये हमारा फाइनल मसाला तैयार हो रहा है, जिसमें हम आलू गोभी डालेंगे। मसाला बढ़िया सेक कर इसमें हम आलू गोभी डालेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये हमारे प्याज अच्छे भुन चुके हैं। देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के बराबर नमक, छोटी चम्मच से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं फ्रेंड्स नमक। फिर मैं चला दूंगी 2 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है मैंने। फिर चला देंगे हम इसको मध्यम आंच में ही सेकना है फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को। इसमें प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में, तो इसको मध्यम आंच में हम सेकेंगे 5 मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सेक चुके हैं इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने जो मसाला तैयार करा था मिक्सर में पीस कर, उसको डाल देंगे। उसे भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये हम थोड़ा सा चला देंगे इसको। फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच मिर्ची,
अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए मिर्ची। फिर इसमें आधी चम्मच डाल दूँगी मैं हल्दी और एक चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर। फिर इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया मसाले का कलर आया है। फिर हम चलाते जाएंगे, थोड़ा सा इसको सेकेंगे हम मसाले को अच्छी तरह से। 5 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे हम मध्यम आंच में। फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला जो सिक रहा था, ये देखिए कितना बढ़िया सिक चुका है मध्यम मध्यम आंच में, इसको हमने सेका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये मैंने आधे कप के समथिंग पानी डाल दिया है फ्रेंड्स इसमें, और फिर हम इसको सेक लेंगे अच्छी तरह से। गैस को तेज कर देंगे थोड़ा हम, तो जल्दी हमारा मसाला सिक जाएगा। क्या कलरफुल मसाला बना है फ्रेंड्स, खुशबू आ रही है इसकी बहुत बढ़िया। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं ये मसाला तेल छोड़ रहा है। तो ये मसाला सिकने की पहचान है। मसाला हमारा तेल छोड़ देता तो आप समझ लीजिए कि हमारा मसाला सिक चुका है अच्छी तरह से। सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो फ्राई की थी गोभी, गोभी और आलू। और फिर से हम इसको चला देंगे अच्छी तरह से गोभी आलू में, और गैस को हम कम कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम हमने कम कर ली है और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। गोभी और आलू को बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे गोभी आलू में अच्छा मसाला इसमें। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिया है फ्रेंड्स मसाले को। और आप झोल वाली सब्जी खाते हैं तो आप इसमें पानी डाल दीजिए आधा कप, आधा गिलास जितना भी आपको रखना है। ये देखिए तो हमारे यहाँ सबको झोल वाली सब्जी पसंद है, तो मैं इस टाइप से बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला है। और आप सूखी खाना चाहते हैं तो बस उसको सूखा रखिए, उसमें पानी नहीं डालिए। और हम ढक देंगे। अब इसमें मैंने एक गिलास के समथिंग पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, और मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी। ये मैं इसको ढक दूँगी। अब देखिए कितना बढ़िया कलर अभी आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार इसको इस तरह से बना कर देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा अभी कि किस टाइप ये सब्जी का टेस्ट आपको कैसा लगा। तो मैं अब इसको 2-5 मिनट के लिए ढक दूँगी। फ्रेंड्स देखिए सब्जी में मैंने अच्छा पानी डाल दिया है, इसमें 1 से 1.5 गिलास के समथिंग। और अब इसको मैं ढकने के ढक कर रख दूँगी 5 मिनट में। गैस को भी थोड़ा तेज कर देंगे हम, तो बढ़िया उबाल हो जाएगा, ये बॉईल हो जाएगी, फिर देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने ढक्कन हटा लिया है और अब हम देखते हैं हमारी सब्जी के पक गए हैं कि नहीं आलू हमारे। तो फ्रेंड्स देखिए हम एक आलू को देखेंगे हमारा आलू अच्छा पक चुका है कि नहीं, कितना कलरफुल इसमें अच्छा लग रहा है। ये ग्रेवी इसकी कितनी कलरफुल लग रही है फ्रेंड्स, देखिए आप। हम एक आलू निकाल कर देख लेंगे हमारा आलू पका के नहीं। फ्रेंड्स आपको सूखी खाना है सब्जी तो आप सिर्फ आधा कप पानी डाल के थोड़ा 5 मिनट बॉईल करें। और हम मैंने ग्रेवी वाली बनाई है, हमारे यहाँ ग्रेवी वाली सब्जी सबको पसंद है, तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाल के बॉईल किया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आलू हमने निकाल कर देख लिया है और हमारी सब्जी कितनी शानदार लग रही है। गोभी भी हमारा पक चुका है लगभग, हम 2 मिनट और इसको ढक देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब्जी अपन चेक कर लेते हैं, हमारी सब्जी बढ़िया। देखिए आलू को अपन देख लेंगे इसमें टेस्ट ये ऐसा करके। ये देखिए आलू भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया है, गोभी भी पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती। ये देखिए मैं धनिया पत्ती डाल दी है मैंने। और अब ये आपको मैं बताऊँगी इसकी मैजिक ट्रिक, इससे इतनी टेस्टी सब्जी लगती है। 1 चम्मच घी डालूँगी मैं। फ्रेंड्स इस तरह से मैं बस इसको एक बार चला दूँगी और ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। देखिए अब इसको हम सेविंग
प्लेट में हम सर्व करने जा रहे हैं। तैयार है हमारी सब्जी आलू गोभी की फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये देखिए कितनी बढ़िया फ्लेवर आया है सब्जी का हमारा। होटल स्टाइल में बनी है फ्रेंड्स ये, हम शादी वगैरह पार्टी वगैरह में खाते हैं आलू की सब्जी, उस हिसाब से बनी है ये। आप एक बार बनाकर देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। आप इसे पूड़ी परांठा राइस के साथ खा सकते हैं। और आप बताइएगा कि ये सब्जी एक बार आप बनाकर देखिए कि इसका टेस्ट कैसा आता है फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक बार लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स देखिए आप कितनी कलरफुल सब्जी लग रही है। और आप मेरे भी उस पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।